हाय एवरीवन, दिस इज प्रे, वेलकम टू एजुकेशनल हाइक्स। आज के इस प्रैक्टिकल वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हमारा मून हमें धरती से कभी ऐसा और कभी ऐसा क्यों दिखाई देता है, आप भी सोचते होंगे ना। चलो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि मून के अलग अलग शेप और साइज हमें धरती से क्यों दिखाई देते हैं। बट इसके पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए ब्रो, कि लेट्स से ये हमारा पूरा यूनिवर्स है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग स्पेस में हैं, मान लो कि ये सन है, ये है हमारा मून और ये हूं मैं, मतलब अर्थ। ठीक है, ये सन, ये मून और ये अर्थ, ऐसा मान लो आप, गॉट इट। और ऐसा ही होता है सोलर सिस्टम में। अब आपको ये भी पता होगा कि जो अर्थ है वो क्या करती है, वो सन के चारों चक्कर लगाती है और इसको कहते हैं हम कि एक रिवोल्यूशन पूरा हो गया। अगर धरती अपने रास्ते से चलकर ऐसे 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 से जाकर इस सन के पूरा चक्कर लगा के आती है, तो इसको हम कहते हैं कि भाई वन रिवोल्यूशन पूरा हो गया है। और ये कितने दिन में कंप्लीट होता है, एक साल में, पता है इतना। बिल्कुल ऐसे ही जो मून है ना, वो भी अर्थ के चारों चक्कर लगाती है, ऐसे 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 ऐसे, बिल्कुल ऐसे मून भी अर्थ के चारों चक्कर लगाती है और ये मून का रिवोल्यूशन कहलाता है। मून अपना रिवोल्यूशन धरती के चारों चक्कर कितने दिन में पूरा करती है, 29 डेज, 29 दिन में ये मून धरती के पूरा चक्कर लगा लेती है। इतना पता हो गया आपको। एक चीज और यहां पर जानने वाली बात ये है कि जो मून का रास्ता होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है, ये ऐसे नीचे जाएगी फिर ऊपर आएगी, मतलब मून का जो ऑर्बिट होता है ना, वो ऐसे हल्का सा टिल्टेड होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर सन, अर्थ और मून एक ही लाइन में होंगे तो भाई मून पे तो लाइट पड़ेगी ही नहीं, हमेशा हमारी धरती पर अमावस्या की रात ही रहेगी, हमारी धरती पर हमेशा अंधेरा छाया रहेगा, कभी मून दिखाई नहीं देगा। अगर धरती, मून और सन हमारी एक लाइन में है तो हमें मून कभी दिखाई नहीं देगा। इसलिए मून का जो ऑर्बिट होता है ना, वो हल्का सा ऐसे होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो सन की लाइट है वो डायरेक्टली इस मून तक पहुंच सके और हम धरती वालों को भी दिखाई दे। समझ में आया, अगर मैं, सन और मून एक लाइन में आ जाएंगे तो मून थोड़ी दिखाई देगा हमें, इसलिए मून का ऑर्बिट ऐसे होता है। थोड़ा सा मून यहां पर है, डायरेक्ट लाइट आएगी और हमारे धरती पर भी लाइट आएगी। समझ में आया, तो इतना तो आप समझ गए। चलो अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर कोई इंसान धरती से देखता है तो उसे मून किस किस पोजीशन में कैसा दिखाई देता है और उसका हम क्या नाम देते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, अब ये हमारा जो एंगल है, ये कैसा एंगल है, ये सामने रहा सन और हम जिस एंगल से हम देख रहे हैं वो रही धरती और बीच में आ जाता है मून। अब देखो, ये मून का हमें ब्लैक वाला हिस्सा पीछे से दिख रहा है, मतलब अमावस्या की रात है, न्यू मून निकला है इस दिन। न्यू मून कब दिखाई देता है, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, तब हमें मून का पीछे वाला हिस्सा दिखाई देता है। ये देख रहे हो, आपको मून का पीछे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, मतलब बिल्कुल काला मून, इसको कहते हैं न्यू मून। ठीक है, अब इस दिन के बाद, न्यू मून डे के बाद, ये मून हमारा हल्का हल्का बड़ा होता जाता है। 3-4 दिन बाद आप देखोगे कि मून हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। यस, बिल्कुल सही। और इस मून को हम कहते हैं क्रीसेंट मून। क्या कहते हैं, क्रीसेंट मून का नाम देते हैं। और चूंकि जो मून है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, इसलिए वैक्सिंग क्रीसेंट मून, गॉट इट। अब फिर से 3-3.5 दिन बाद जब मून हल्का हल्का चल के इधर आएगा तो हमें चांद आधा आधा दिखाई देता है। हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं मून ने अपना फर्स्ट क्वार्टर पूरा कर लिया है। समझ में आया। अब फिर वही 3-3.5 दिन और लगता है मून को थोड़ा और ट्रेवल करने में, तो मून हमें बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है। इसको कहते हैं हम गिब्बस मून। क्या
क्या कहते हैं, गिब्बस मून, और मून धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, इसलिए इस पर्टिकुलर पोजीशन का पूरा नाम है वैक्सिंग गिब्बस मून। अब देखो, अब आपको पता चला कि ऐसा चांद हमें कब दिखाई देता है, बिल्कुल पता चल गया होगा। अब देखो, अब मून जैसे 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 आगे बढ़ता है तो वो कुछ देर बाद हमें पूरा गोल दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस पर पीछे से सन का जो लाइट है वो डायरेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो इस वाले मून को हम कहते हैं भाई पूरा चांद, इसको हम कहते हैं पूर्णिमा का चांद या फुल मून डे, गॉट इट। फुल मून डे के बाद चांद धीरे धीरे छोटा होता जाता है, फिर आप देखोगे ना 3-3.5 दिन बाद कि मून हल्का 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 छोटा हो रहा है, और इस वाले मून को हम कहते हैं गिब्बस मून। मैंने आपको बताया है कि जब मून हल्का सा कटा दिखाई दे तो इसको हम कहते हैं गिब्बस मून, लेकिन अब मून आगे धीरे धीरे छोटा ही होगा, इसलिए वैनिंग गिब्बस मून। क्या नाम देते हैं? वैनिंग गिब्बस मून। अब जैसे जैसे फिर ये अपना और आगे जाएगा और आगे जाएगा और आगे जाएगा, तो ये मून हमें बिल्कुल आधा आधा दिखाई देने लगेगा। ये होता है मून का थर्ड क्वार्टर, ठीक है। अब फिर ये 3-4 दिन बाद मून आपको ऐसा क्रीसेंट दिखाई देने लगेगा। देख रहे हो, केवल हल्का सा एक हिस्सा दिख रहा है मून का, तो इसको कहते हैं क्रीसेंट मून, और मून धीरे धीरे छोटा ही हो रहा है, इसलिए वेनिंग क्रीसेंट मून। क्या कहते हैं? वेनिंग क्रीसेंट मून। अब आगे फिर जब मून सन के सामने आ जाएगा तो फिर से भाई अमावस्या की रात हो जाएगी, हमें मून बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, और इस वाले मून के पोजीशन को हम कहते हैं न्यू मून। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? अभी आप समझ गए होगे कि मून अपना अलग अलग पार्ट कैसे दिखाई देता है। देख रहे हो, जैसे जैसे घूमेगा वो अपना हल्का 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 ऐसे दिखाई देने लगता है। सो दिस इज द फिनोमेनन बिहाइंड न्यू मून डे एंड फुल मून डे।